बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा एडोब लाइटरूम से कैसे फोटो एडिट करते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपको सिंपली अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि एडोब लाइटरूम है। और फिर चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें मैं नो थैंक्स, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आया है नो थैंक्स, डिलीट करूँगा यहाँ से। फिर आ गया नो थैंक्स, ऑल फोटोज में जाएंगे, क्लिक करेंगे उसको। उसके बाद यहाँ पे अपने फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अपने फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सर्च लेगा। उसके बाद यहाँ पे मास्किंग होगा, यहाँ पे अपग्रेड या फिर अपग्रेड टू प्रीमियम का ऑप्शन देगा। तो प्रीमियम लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो आप बाहर क्लिक कर सकते हैं, आप बाहर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर वही प्रीमियम वाला आएगा तो उसको बाहर क्लिक करके हटा देंगे। उसके बाद आप अगर क्रॉप करना चाहते हैं अपना फोटो को तो क्रॉप कर सकते हैं जैसा आपका मन। यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा रोटेट करेंगे, देखते क्या कैसा लगता है फोटो, ऐसे रोटेट कर भी सकते हैं आप या आपका जैसा मन। उसके बाद आपका अगर मन है तो उसको डायरेक्शन वाइज डायरेक्शन रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं आपका जैसा मन। उसके बाद आप अगर फ्लिप करना चाहते हैं, मतलब जो इधर है तो इधर आ सकता है, मतलब फ्लिप होते जाएगा फोटो, तो आप अपना जैसा आपका मन वैसे कर सकते हैं। अपोजिट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे वैसे ही रहने देता हूँ, चलिए रहने दीजिए फोटो रहने देता हूँ, बस यही पसंद। उसके बाद लोग यहाँ पे प्रेजेंट, आपका जितना भी टूल्स अभी अवेलेबल है ना प्रेजेंट में, वो प्रेजेंट ही बताएगा क्रश कितना है। उसके बाद फिर हम लोग लाइट में जाएंगे, लाइट में जाने के बाद एक्सपोजर को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका फेस पे जो लाइट है वो कम या फिर ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज होगा। आपको बढ़ा घटा के दिखाता हूँ, इंक्रीज डिक्रीज करके दिखाता हूँ, इसलिए बढ़ाया मैंने घटाया, बढ़ाया घटा रहे हैं। मतलब आप अपना इमेज पर जैसा लाइट रखना चाहते हो, अंधेरा करना चाहते हो तो अंधेरा, या फिर लाइट रखना चाहते हो लाइट रहेगा, थोड़ा सा हमारे घर नहीं देते ज़्यादा अब नहीं लगता देखने में। तो आगे कॉन्ट्रास्ट प्रोजेक्ट का मेन है कि ये रंगीन कर देता है फोटो, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, एडिटिंग करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं थोड़ा सा, हाईलाइट आता है वाइट में, आप अपने चेहरे पर जो वाइट है वाइटनेस है उसको आप ग्लो कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्क कलर्स में जाएंगे, कलर्स में मेनली है ना, कलर्स मेनली यूज होता है, बहुत अच्छा रहता है कलर्स। उसमें टेम्परेचर आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब जैसा ठंड का सीजन है फिर या फिर गर्मी का सीजन है उस टाइम में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके आगे फिर आता है सैचुरेशन, सैचुरेशन का भी काम होता है रंगीन करना, आपका जो फोटो है ना उसको रंगीन कर देता है, मतलब और ज़्यादा कलरफुल बना देता है, इसलिए ज़्यादा कलरफुल भी अच्छा नहीं लगता फोटो, तो थोड़ा सा बस रहने देते हैं। सैचुरेशन का भी वही काम है, सैचुरेशन करें तो पूरा वाइट पूरा रंगीन हो जा रहा ना, मतलब ब्लैक एंड वाइट या फिर रंगीन कर देगा थोड़ा सा रहने देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मिक्स, ये जो मेन यूज होता है टूल का यही मिक्स, इसी में आप ये रेड कलर कर देखिए, रेड कलर करने से आपके चेहरे पर भी जितना भी रेड कलर करेगा ना आपका फोटो में उस पर असर करेगा, ये अब
देखिए सेचुरेशन, अब ये जो पैलेट जो कलर है ये आपके स्किन को ग्लो करेगा। देखिए कैसे, देखिए मैंने ये किया, देखिए आपका स्किन पे देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। मतलब ये जो कलर, दो कलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन ग्लो करने के लिए, आपका फेस को अच्छा करने के लिए। इसका बैकग्राउंड देखिए आप, हरा कलर है ना, इसका बैकग्राउंड देखिए अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा हरा, थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा हरा, थोड़ा सा पीला, मतलब इसी तरह में रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कलर देखेंगे, थोड़ा कम कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं। हाँ फिर हरा कलर, हरा कलर तो बहुत अच्छा, बैकग्राउंड बड़ा हरा है तो हरा कलर बहुत अच्छा यूज करना पड़ेगा। ध्यान से बैकग्राउंड को देखिए, ऐसा कलर चेंज हो, हाँ देखिए बहुत मस्त, ऐसा ही होता, ऐसा ही नीट अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा भी हरा नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा हरा बस। और उसके बाद फिर हम लोग बैकग्राउंड को देखते हैं, ज़्यादा हरा हो गया, जैसा आपका मन, आपका जैसे अच्छा करे वैसा आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप पे निर्भर करता है। तो आगे ब्लू कलर, ब्लू कलर आपका शर्ट या फिर तो ब्लू कलर का शर्ट और ट्राउजर पहने तो शर्ट और ट्राउजर के लिए बहुत अच्छा रहेगा ब्लू कलर। पूरा अगर गाढ़ा ब्लू कलर देंगे, मतलब नेवी ब्लू कलर डीप ब्लू कलर, तो प्रॉब्लम हो सकता है, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा सा रहना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और उसके बाद जैसा आपको मैं मल्ट कर सकते हैं, ये दो कलर ब्लू कलर इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने में टेक्सचर मिलेगा, टेक्सचर में आप मेनली यूज होता है ये फेस के लिए, टेक्सचर में नहीं होता है फेस के लिए। आप फेस पे देखिए क्या असर होता है, फेस मतलब फेस में जो भी रहता है ना पिंपल विम्पल वो सब हटाता टेक्सचर, क्लियरिटी क्लियरिटी को क्लियर, मतलब क्लियरिटी अगर करेंगे तो थोड़ा सा ब्लर होगा फेस पे, और क्लियरिटी को बढ़ाएंगे तो फेस पे क्लियरिटी आएगा, मतलब जो पिंपल्स विम्पल से दिखने लगे, इसलिए क्लियरिटी ज़्यादा बढ़ाना भी अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा सा बस रहने देते हैं ताकि पता चले कि हाँ ओरिजिनली दिख रहा है मेरा। फिर डिटेल बिहेज, बिहेज से है ना पूरा फोटो रंगीन हो सकता है, मतलब कि जैसा आप रंग रखा है पूरा धुंधला या फिर रंगीन जैसा आप कर। उसके बाद आता है इग्नेट, इग्नेट का मैंने जो होता है चारों कोना में जो ना ब्लैक ब्लैक कलर का स्टेप में लाने का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, बहुत ही अच्छा भी है। और इसके बाद और आप इसको बड़ा कटा सकते हैं, मीन्स व्हाइट ला सकते हैं, ब्लैक कलर ला सकते हैं जैसा आपका मन। उसके बाद फिर अगर इफेक्ट में कुछ छूट है तो कर सकते हैं या फिर करें। अब लाइट, लाइट में जाके करना क्या ना, इसमें भी एक्सपोजर वही सब रिपीट होने लगता है। अगर आपका मन है तो जैसा आपका मन है वैसा आप इसको हिट करके सेव कर लीजिए, यहाँ पे आसानी से ग्रह यहाँ से सेव हो जाएगा। उसके बाद ये अपने गैलरी में आपका चल जाएगा। तो बस यही था,